हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। एसएससी का सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 2022 का आ गया है। अभी आपने देखा होगा कि सीजीएल की जो एग्जाम थे वो सभी संपन्न हो गए और उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आने वाला था उसको भी कल प्रकाशित कर दिया गया है एसएससी द्वारा, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा। अब जिन स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है सीजीएल का वो अच्छा नहीं हुआ है तो उनके पास अभी भी एक अवसर है कि वो एक छोटी सी नौकरी पाकर अपने आप को सेफ जोन में कर लें। तो उसी के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो नोटिफिकेशन आया है। तो इस जो नोटिफिकेशन में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं जो स्टूडेंट्स के हित में हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेगा और सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी का जो ये वीडियो है ये हम बना रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर जो एसएससी सीएचएसएल यानी जिसको हम 10+2 बोलते हैं उसकी वैकेंसी यानी नोटिफिकेशन आ गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट है जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसकी डेट है 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक, यानी कि 2023 तक। आप 2023 तक अगले साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे ऑनलाइन माध्यम से। और इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो होगी 5 जनवरी तक आप ऑनलाइन पेमेंट इसकी कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग ऑफलाइन चालान के थ्रू यानी कि बैंक जाकर पैसे जमा करते हैं उनकी जो डेट रखी गई है वो चालान जनरेट करने की डेट रखी गई है 4 जनवरी डेट रखी गई है। और चालान के थ्रू अगर आप पैसे जमा करते हैं तो उसकी डेट रखी गई है 6 जनवरी। उसके बाद अगर आपने फॉर्म तो फाइनल सबमिशन कर देंगे आप, उसके बाद अगर कोई त्रुटि रह गई है, कोई करेक्शन करना है आपको, तो उसकी जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो दी गई है 9 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक आप करेक्शन कर सकेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं कि जो टियर वन है यानी कि प्री जिसको आप बोल सकते हैं उसका एग्जाम कब होगा। उसका एग्जाम इन्होंने दिया है फरवरी और मार्च में ये कभी भी एग्जाम इसका ले सकते हैं, कोई एग्जैक्ट डेट अभी इन्होंने नहीं दी है। तो आप इन तारीखों को जरूर अपने माइंड में रखिए और लास्ट डेट का वेट मत करिए। आप समझदार हैं तो 10 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उसमें क्या होता है कि जो सेंटर है वो आपके काफी नियरेस्ट मिल जाता है। अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर, यानी कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा। डेट आपने देख ली होगी, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल जो है सक्सेस विद राय एकेडमी उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें आपको पता होगा कि वैकेंसी कितनी होती है और किस किस पोस्ट के लिए होती है। वैकेंसी होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और दूसरी होती है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, और JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इन दोनों को मिलाकर 4500 वैकेंसी बताई जा रही है। अभी इन्होंने 4500 वैकेंसी का अध्याचन दिया है और इसमें डाटा एंट्री की कितनी है और LDC JSA की कितनी है ये अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आप इसे 4500 प्लस ही वैकेंसी मानकर चलिए क्योंकि इसमें प्लस होती है वैकेंसी, माइनस कभी नहीं होती है। तो ये दो चीजें आपको पता चल गई, डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC की वैकेंसी है 4500 की। अब सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं कि हमें एग्जाम पैटर्न हमें क्या देखने को इसमें मिलेगा। चलिए एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमें डिस्क्रिप्टिव भी था उसको अब हटा दिया गया है और प्री जो है यानी कि टियर वन जो है उसमें अभी भी 4 सेक्शन रखे गए हैं। पहला होगा आपका इंग्लिश का जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, और दूसरा सेक्शन होगा रीजनिंग, इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। तीसरा पोर्शन है हमारा मैथ,
मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और फोर्थ है हमारा जीए जीएस, ये भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे जो टोटल 200 नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको दिया जाएगा एक घंटा, यानी कि 60 मिनट आपको दिया जाएगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आते हैं कि ये एग्जाम आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके जो नंबर हैं वो मेंस में या फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइनस मार्किंग 0.5 रखी गई है, आपको पता होगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार पॉइंट हम नोटिस कर रहे हैं वो यही है कि इसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है, सिर्फ आपको इसको जैसे सीसेट वगैरह होता है बड़े एग्जाम में वैसे ही इसको कर दिया गया है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करिए, इसके नंबर आपके कहीं नहीं जोड़े जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होगा वो जनरल के लिए 30, ओबीसी के लिए 25 और एससी एसटी बाकी के लिए 20% होगा, ये अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। जो इतने करके आएगा जो सही होगा उसको ही मेंस के लिए या टीयर टू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, तो ये भी आप समझ गए होंगे, अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं टीयर टू पर, टीयर टू पर आते हैं। अब टीयर टू में यहां पर इन्होंने दो सेशन रखे हुए हैं, इनका नाम इन्होंने दिया है सेशन, अब ये सेशन में हर सेशन में 3 एग्जाम दिए गए हैं, यानी कि पहले सेशन में 3 एग्जाम दिए गए हैं। सेशन 1 इसमें देखिए जो पहला सेक्शन है, पहला जो सेक्शन है वो होगा मैथ का, सेशन 1 में सेक्शन 1 उसमें मैथ होगा, मैथ के होंगे 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, टोटल हो गए आपके 180 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको एक घंटा दिया जाएगा। और अब हम आते हैं इसी के सेक्शन 2 पर, सेक्शन 2 में इंग्लिश दूसरा पेपर होगा इसका, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के होंगे 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के होंगे 20 क्वेश्चन, हो गए 60, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 क्वेश्चन हो गए 180 नंबर के। अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन पर, थर्ड सेक्शन होगा कंप्यूटर का, थर्ड सेक्शन होगा कंप्यूटर का, इसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और ये होगा 45 नंबर का, इसके लिए आपको दिए जाएंगे 15 मिनट। उसके बाद आते हैं सेशन टू पर, सेशन 2 में जो पार्ट 1 होगा, पार्ट ए आप कह सकते हैं, वो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो डी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा, इसमें इसको इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, और जो पार्ट बी होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगी एलडीसी और जूनियर सॉरी जेएसए के लिए, इसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे सबसे पहले। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर यह लिखा गया है कि आपको ये क्वालिफाई करना है, यानी कि जो स्किल टेस्ट वगैरह है उसको आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी ये सब कॉपियां ही चेक नहीं होंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो इसलिए था ताकि आपको ये बताया जाए कि वैकेंसी आ गई है, और आप अब वेट मत करिए पढ़ाई करने का, पढ़ाई स्टार्ट करिए, बहुत लोगों ने सीजीएल के लिए पढ़ाई करी होगी, उसी में आपको आगे बढ़ते जाना है, और मेंस में आपने देख लिया कि 30-30 क्वेश्चन होंगे और ये 3 नंबर का होगा, 180 नंबर,
यानी कि उसमें भी आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए मिलने वाली है, कंप्यूटर का पोर्शन बढ़ने वाला है। वर्तमान समय में कंप्यूटर अब जरूरत बन गई है, इसलिए इसमें कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है, यानी कि इसके लिए एक अलग से पोर्शन कर दिया गया है। और उसके बाद क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, इसको तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। तो अब आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। बस आप अब सीएचएसएल के लिए पूरी तरीके से जुट जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो उसको भी चैनल पर डिस्कस कराया जाएगा। अब आप चैनल से जुड़े रहिए, इस तरीके के आपको वीडियो रेगुलर सीएचएसएल के मिलते रहेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनको काफी उससे लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।